आनंद हो के सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद। मित्रों, जो सोचकर मैंने ये चैनल शुरू किया था और जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया था, वह पूर्ण होता मुझे दिखता है। सर्वप्रथम तो मुझे खुशी है कि आज भी युवकों और युवतियों में ज्ञान और विद्या प्राप्ति की इच्छा है। आज के तकनीकी युग में भी वे प्राचीन विषयों को जानने को आतुर हैं। मुझे अक्सर ऐसे कॉल्स आते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि माँ दुर्गा की ऊर्जा और शिव का शिवत्व प्राप्त करने की इच्छा आज भी युवक युवतियों में है। परंतु आज उन शक्तियों के नाम पर व्यापार ज्यादा है और ज्ञान कम। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मंत्रों और विधियों को बताने के सिवाय उन शक्तियों के अस्तित्व और सत्य के तत्व को आपके समक्ष ला सकूं, ताकि वह ऊर्जा का दर्शन हो सके आपको स्वयं में। 10 महाविद्या समुद्र मंथन में प्राप्त रत्न और बीज मंत्रों के रहस्य और सृष्टि में इनकी ऊर्जा और अस्तित्व, उन शक्तियों का विस्मयकारी तत्व रूप आपको प्राप्त हो सके, ऐसी मेरी कामना है। और आनंद हो के इस चैनल में इस प्रकार के प्रश्न मुझे मिलते हैं, जिससे कि मैं भी उन विषयों को आप तक लाने में समर्थ हो पाता हूं जो कि सृष्टि का सत्य हैं, परंतु लुप्त हो रहे हैं। इतने दुर्लभ विषयों को आप तक पहुंचाने में मैं भी धन्य हूं और उन जिज्ञासु सब्सक्राइबर्स को भी शुभकामनाएं देता हूं और उनके भीतर की ऊर्जा को प्रणाम करता हूं, जो कि मुझे इन विषयों पर बोलने और इनके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे 10 महाविद्याओं से रिलेटेड जिज्ञासा की जो कॉल्स आती हैं, वह मुझे भी और सीखने को और समझने को ललायित करती हैं। जिस प्रकार का कम्युनिकेशन मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ फोन पे मेरे से है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। आपका साथ और आपकी जिज्ञासा ऐसे ही बनी रहे और मैं भी समर्थ हो पाऊं आप तक वो सत्य लाने को, वो रहस्य, वो सृष्टि तत्व लाने को, जो कि अभी तक पूर्ण रूपेण शायद उजागर ही ना हुए हों। मैं सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।